नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा की सियासत में जल्द बड़ा उलटफेर हो सकता है। चौधरी बंसीलाल की राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने वाली किरण चौधरी जल्द ही कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जी हां, पिछले काफी समय से किरण मुखर नजर आ रही हैं, लेकिन अब श्रुति चौधरी का टिकट कटने के बाद उनके तेवर और भी तल्ख हो गए हैं। अब चर्चाएं यहां तक है कि जल्द ही किरण कांग्रेस छोड़ने वाली है। चर्चा हम करेंगे, उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में सियासी अंगड़ाई, कांग्रेस से किरण चौधरी का हुआ मोह भंग, क्या बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं किरण चौधरी? हरियाणा की सियासत में एक बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक किरण चौधरी का कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है और अब वो कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल होने जा रही है, ये जानकारी सूत्रों से मिली है। लेकिन इससे पहले किरण चौधरी के जो बयान सामने आए हैं उनके बाद से ही इस तरह की अटकलें तेज हो गई थी। हाल ही में किरण चौधरी के एक बयान पर काफी चर्चा हो रही है, जिसमें वो कह रही हैं कि हरियाणा में अब कांग्रेस का कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा। तो आने वाले समय में इस हालत, इस सूरत में मुझे तो कोई फ्यूचर कांग्रेस का हरियाणा में नजर नहीं आता। ऐसे में बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या वाकई हरियाणा में कांग्रेस का भविष्य खत्म हो गया है या किरण चौधरी का खुद का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है। और जब किरण चौधरी के आगे के फैसले को लेकर के उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने प्रभु इच्छा की बात कही। किरण चौधरी कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं आप? अब छोड़िए ना, ये फैसला लेना नहीं लेना वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, जो प्रभु करवाएंगे वो प्रभु इच्छा। यानी जो किरण चौधरी अब तक खुद को कांग्रेस की सच्ची सिपाही कहती आ रही थी, अब उन्होंने कांग्रेस छोड़ने और कोई बड़ा फैसला लेने से इनकार नहीं किया, बल्कि इस बात के संकेत दिए। इतना ही नहीं, किरण चौधरी लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर के लगातार पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ बयानबाजी करती हुई नजर आ रही हैं और अपने और अपनी बेटी श्रुति के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप भी लगाती रही हैं। किरण चौधरी का आरोप है कि उन्हें राजनीतिक रूप से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में अब किरण चौधरी ये संकेत तो दे चुकी है कि वो बड़ा फैसला लेंगी, लेकिन कब तक ये बड़ा फैसला लेंगी ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आइए चर्चा करते हैं, डॉक्टर पंकज बेनीवाल हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता बीजेपी, बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस, रजत पंजेटा प्रवक्ता इनेलो। बहुत स्वागत है आप तीनों का। शुरुआत बजरंग जी आपसे, अब तक हमने चर्चाएं की हैं कि किरण नाराज हैं, किरण किस तरह के आरोप लगा रही है भी हमने सुना के कि कांग्रेस का भविष्य ही नहीं है हरियाणा में। अब खबर यह है कि किसी भी वक्त कांग्रेस का हाथ छोड़ सकती है, सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। देखिए ज्योति जी, ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है और ना तो किरण चौधरी ऐसी गलती मेरे हिसाब से करेगी। और जहां किरण चौधरी अगर कांग्रेस का भविष्य ना होता तो लोकसभा की टिकट श्रुति के लिए किरण चौधरी नहीं मांगती, ये भी आप समझते हो शायद स्थिति के साथ। और जहां तक की तो ऐसा तो नहीं है कि वो कह रही है कि कांग्रेस का भविष्य नहीं है हरियाणा में, ऐसा तो नहीं है कि किरण का भविष्य नहीं है कांग्रेस में? वो बार बार कह रही है बंसीलाल की राजनीतिक विरासत खत्म करने का षड्यंत्र हुआ के, ये भी उनकी ओर से खूब कहा गया कि इन चुनाव में। देखिए चौधरी बंसीलाल जी बहुत सीनियर नेता थे और हरियाणा के निर्माता थे, उनका सम्मान कांग्रेस पार्टी तो क्या देश का हर नागरिक, प्रदेश का हर नागरिक करता है और करता रहेगा। जो महान पुरुष होते हैं जिनका देश और प्रदेश के विकास के अंदर जो योगदान होता है उसे बुलाया नहीं जाता, उसमें पार्टीबाजी की बात नहीं होती। कि भारतीय जनता पार्टी का हो कि चौधरी देवीलाल जी है, देवीलाल जी हम आज कहते हैं वो बहुत सीनियर नेता थे, हरियाणा के विकास में अच्छा योगदान था। जिनका योगदान है ज्योति जी रहेगा, योगदान तो रहेगा, लेकिन चौधरी देवीलाल भी तो कांग्रेस से चले ही गए थे ना। देवीलाल भी 1971 में चले गए थे, भजनलाल की हम बात करें वो भी कांग्रेस से चले गए थे, बंसीलाल भी गए थे, अपनी पार्टी बनाई थी, हालांकि वापस कांग्रेस में विलय हो गया था। लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है कि बंसीलाल परिवार का एक बार फिर से कांग्रेस से जाने का समय आ चुका है, बीजेपी में शामिल होने का समय आ चुका है? परिवार तो सारा कांग्रेस के अंदर है,
परिवार कौन सा हो गया? अब महिंद्रा हमारे साथ है, महिंद्रा लड़का हमारे साथ है, किरण हमारे साथ है, यहाँ तक कि सोमवीर हमारे साथ है। कौन हमारे साथ नहीं है? जो भी परिवार एक आदमी मैं कह दूं मेरा घर के अंदर 100 आदमी है और एक अकेला ही मैं परिवार हो गया, ये तो बात जमने वाली नहीं है। और दूसरी बात, जहां किरण चौधरी है सम्मान की बात, असली मुद्दा ये है सम्मान में कौन सी कमी छोड़ी है? आई बार किरण चौधरी को विधानसभा की टिकट दी, 2 बार मंत्री बनाया, दिल्ली की टिकट दी, दिल्ली के अंदर उप स्पीकर बनाया, यहां तक कि उनकी लड़की स्तुति चौधरी को हरियाणा से बिहानी से टिकट दी, उनको सांसद बनाया। यूं कैसे भूल सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो मान सम्मान दिया है वो भूलने ही बात है। और कांग्रेस पार्टी में अगर मान सम्मान होता तो चौधरी वीरेंद्र सिंह या चौधरी विजेंद्र सिंह मौजूदा सांसद होकर पार्टी छोड़ के नहीं आता। सबको पता है भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है लोगों को भाई से लड़ाने का और किसी को दाना देने का काम। आप आ जाओ, हम आप क्या सारी कांग्रेस को बीजेपी में शामिल कर लेंगे क्या आप लोग? बजरंग जी तो कह रहे हैं जानकारी नहीं है किरण के जाने की या कांग्रेस छोड़ने की, आपको कोई जानकारी है कि बीजेपी में आ रही बहुत जल्द? नमस्कार ज्योति जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए ऐसा आप ही के सूत्रों के हवाले से हमें पता चल रहा है कि किरण चौधरी जी बहुत जल्द कांग्रेस को अलविदा कहकर के भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकती है। अगर ऐसा होता है तो जो पहले के पूर्व 3 मुख्यमंत्री थे जो हरियाणा के लाल कहे जाते हैं, चाहे देवीलाल जी हों, भजन लाल जी हों, बंसीलाल जी हों, अगर ऐसा होता है तो तीनों ही लालों के परिवार के सदस्य भारतीय जनता पार्टी में होंगे। ये भी एक बहुत ही अच्छी सदस्य ही होंगे, पूरे परिवार नहीं होंगे। ताऊ देवीलाल की बात करें तो ऐसा नहीं कि पूरा परिवार के है, रणजीत सिंह है। भजनलाल के परिवार की बात करें तो कुलदीप का परिवार आप लोगों के साथ है। और अगर ऐसा हो जाता है, जो कि हमारे पुख्ता सूत्र जानकारी दे रहे हैं, तो सदस्य ही होंगे। ठीक है, आपके सदस्य ही कह रहे हैं, पूरे परिवार हालांकि साथ नहीं होंगे। मैंने पूरे परिवार का जिक्र नहीं किया, मैंने कहा तीनों ही पूर्व मुख्यमंत्रियों के परिवार के सदस्य भारतीय जनता पार्टी में होंगे और ये संयोग बहुत ही अच्छा संयोग होगा। और किरण चौधरी जी पहले भी अपने वक्तव्य में, कल की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि भाई सीबीआई ईडी की रेड हमारे पे तो नहीं लगती, हमारे को तो सीबीआई नहीं बुलाती क्योंकि हमने घोटाले तो किए नहीं, हम तो ईमानदार नेता रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जमीनों का घोटाला किया, हजारों करोड़ की जमीनें बेची होंगी, इसलिए उसे सीबीआई ईडी का। पार्टी में तो जिनको ईडी बुलाती वो भी आए हैं, ऐसा नहीं, ये तो कोई पैरामीटर है नहीं। नहीं नहीं, मैंने किरण चौधरी जी के बयान जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए उन्होंने कहा, मैं सिर्फ वो बता रहा हूं, उनका मोह भंग हुआ है। उन्होंने कहा है कि मेरी बेइज्जती हुई है कांग्रेस में रहते हुए, मुझे किसी भी मंच पर नहीं बुलाया गया। उन्होंने ये भी कहा, कौन सा बयान दिखाई है? कहा है बजरंग जी, उन्होंने कहा कि हमने हमने कोई ईडी ऐसी केस नहीं चल रहे, कहा है किरण ने, ये तो कुरान भी कह दिया था। अरे बजरंग दास गर्ग जी, बजरंग दास गर्ग जी, अरे उड़ा का नाम कहा लिया? ये तो खुद ही कह रहे हैं कि नाम नहीं लिया, ये बेनीवाल साहब खुद ही कह रहे हैं कि बगैर नाम लिए। बजरंग जी कमाल है यार, मतलब थोड़ा तो आप ये तो कह रही है उड़ा साहब का नाम लिया, लेकिन हम जानते हैं ना कि बात किसकी हो रही है। मेरी बात, मैं बातें कभी भी तथ्य के बिना नहीं करता, झूठी बातें टीवी में बैठ के मैं नहीं करता कभी भी। जो बातें मेरे पास पुख्ता होती है बजरंग दास अगर जी, वही मैं बोलूंगा आके, मैं झूठी बातें नहीं बोलूंगा औरों की जैसे, या जैसे आप लोग झूठी बातें कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी बेइज्जती की गई, मुझे राव दाल सिंह के साथ कहीं नहीं बुलाया गया, मुझे तो शाम में भी नहीं बुलाया गया। तो शाम के अंदर उन्होंने ये शब्द भी यूज किया कि वो उनके मामा के गांव के लड़के जो थे, उनके मामा के लड़के थे तो सामने वही देख रेख कर रहे थे, हमारे को तो कहीं बुलाया नहीं गया, ना मुझे ना स्मृति चौधरी को। तो वो अपनी बेइज्जती महसूस कर रही है, वहां पर अपने आप को खत्म करने का षड्यंत्र तक का शब्द उन्होंने यूज किया है। तो क्या बीजेपी उनको मान सम्मान देने की तैयारी में है क्या? देखिए भारतीय जनता पार्टी सारी जनता की पार्टी है, कोई भी इसमें आ सकता है, हम किसी को मना नहीं करते। किरण चौधरी जी आती है उनका सम्मान है, और जो सम्मान उन्हें कांग्रेस में नहीं मिला उससे कहीं ज्यादा सम्मान भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी किसी का निरादर नहीं करती, कांग्रेस के जैसे कि उन्हीं के नेता आकर के, आप जो एसआर के गुट था, अगर आपके सूत्रों के हवाले से बात सच है तो एसआर के गुट
भी एसआर रह जाएगा और के वहां से हट जाएगा। तो किरण चौधरी जी जो इतनी बड़ी कद्दावर नेता हैं, अगर कांग्रेस पार्टी उन्हीं को संभाल कर नहीं रख सकती है तो एक आम कार्यकर्ता कांग्रेस में अपनी विडंबना कहां सुनाएगा, क्या सोच रहा होगा आज कांग्रेस का कार्यकर्ता कि हमारी अगर नेता इतनी बड़ी नेता जो बंसीलाल परिवार से जो आती है, जो बंसीलाल परिवार की आगे राजनीति को चला रही है, उसके साथ ही इतना दुर्व्यवहार अगर कांग्रेस पार्टी कर रही है तो आज हमारा क्या हाल होगा। तो यहाँ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि संगठन तो इनसे बना नहीं है, तो कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस भी कर रहा है। और जो मैं विगत की अपनी डिबेट में कहता रहा हूँ चुनाव के बाद कि हरियाणा का वोटर भी ठीक है, ये भी चर्चा का विषय है, वाकई उनका अपमान हो रहा है, जो कि बजरंग जी ने भी कहा 2005 के बाय इलेक्शन के बाद से लगातार उनको टिकट मिल रहा है, लगातार वो जीतते जा रहे हैं। हुड्डा पार्ट वन में भी मंत्री रही, हुड्डा पार्ट टू में भी मंत्री रही, जो कि बजरंग जी भी बता रहे थे, अभी तीन बार उनके बेटे को टिकट दिया गया, हालांकि दो बार वो जीत नहीं पाई, ये भी सबके सामने है। हालांकि अगली बार जो टिकट कटा गया उनके बेटे का, उसके बाद उनकी नाराजगी कहीं ज्यादा हो गई है पहले से। ठीक है बेनीवाल साहब, आपकी बात आ गई है, मैं इनेलो का रुख कर रही हूँ। पंडिता जी, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि किरण कांग्रेस को अलविदा कहने जा रही है, किसी भी वक्त बीजेपी में शामिल हो सकती है। अगर ऐसा हो जाता है, क्योंकि अभी पुख्ता जानकारी नहीं है, सोर्सेज के हवाले से खबर के, अगर ये हो जाते हैं तो इनेलो कैसे देख रही है इसे, इस कदम को? देखिए, पहली बात तो ये कांग्रेस का जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक एक करके जो एसआर के गुट के जितने भी नेता, एसआर के गुट की मैं क्यों बात करूं, मैं इससे पहले अगर आप देखें तो अशोक तंवर जी के साथ इन्होंने क्या किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, उसके बाद आप शैलजा जी को साथ क्या किया, संगठन भी नहीं बनाने दिया, उनके वर्करों के साथ कई बार इनकी आपस के अंदर भिड़ंत हुई, कैप्टन अजय यादव जी के वर्करों के साथ गुड़गांव में हुई, भिवानी में हो चुकी है, हिसार में हो चुकी है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर कुछ करते हैं, किसी का अपमान करते हैं या कहीं ना कहीं कांटा निकालने की कोशिश करते हैं, जैसे रणदीप जी के साथ किया इन्होंने सुरजेवाला जी के साथ, हुड्डा के खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं होता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो व्यक्ति है जो सोनिया गांधी के कहने के बावजूद राज्यसभा में अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ आए थे और वो शाही कांड में बाकी सबकी जो इनवैलिड वोट करा दी थी इन्होंने, जो शाही बदलने का था, ये वो है जो खुद कांग्रेस के जो कैंडिडेट उतारा था राज्यसभा में, उसको हराने का काम किया था। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ अगर कोई एक्शन नहीं होगा और सभी बाकी नेताओं के साथ अगर ऐसे होगा तो चाहे आप सुभाष बत्रा जी को ले लिए, ठीक है, वो मई 2016 के अलावा वो काली भेंट वाली बात तो हमने अजय माकन को जब राज्यसभा भेजा जाना था तब भी सुने थे, ये तो कांग्रेस के अलग अलग नेता अलग अलग किरदार में देखे हैं। इसमें किरण का नाम भी हालांकि सामने आया, ऐसा नहीं कि आरोप सही साबित हुए, लेकिन उनका नाम बार बार सामने आया था। हाँ जी ज्योति जी, और बात जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, अरे इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि इनको ये कह रहे हैं कि हमने टिकट दे दी, इन्होंने कोई एहसान नहीं किया। पूरी की पूरी अगर हरियाणा विकास पार्टी का कांग्रेस में अगर विलय कराया तो वो श्रीमती किरण चौधरी जी द्वारा कराया गया था। एक पूरी हरियाणा की, एक स्टेट की, एक राज्य की, क्षेत्र की पार्टी का विलय कराना कांग्रेस के अंदर, वो किरण जी ने ही कराया था। और इन्हें ये नहीं भूलना चाहिए, ये बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि और परिवार के सदस्य, इनको राजनीतिक रूप से शायद ये जानकारी हो, मुझे लगता है होगी कि चौधरी बंसीलाल जी की जो विरासत है, जो पगड़ी है, वो श्रुति चौधरी जी को पहनाई गई थी। मैं मानता हूँ ठीक है, उनके परिवार के जो सदस्य हैं, चाहे लोहारी लोहारू से सोमवीर जी हों, चाहे महेंद्रा जी हों, रणवीर महेंद्रा जी, देखिए उनका है, उनके पुत्र है अन्नी, उनका हो अनिरुद्ध, तो उनका अपना वो है, पहले बीसीसीआई में थे वो, तो ऐसा नहीं परिवार का वर्चस्व नहीं है, लेकिन जो फैक्ट्स है वो ये है कि पगड़ी उनको पहनाई गई थी श्रुति जी को। और अगर उसके बाद अगर भिवानी में उनका बहुत बड़ा प्रभाव है, मैं तो ये कहूंगा अगर इतना बड़ा प्रभाव है कि अगर वो किसी को हरवा सकती है, चाहे ओपनली ना माने, लेकिन चलो अंदर से जो भी बात है, तो ये क्या कांग्रेस को ये नहीं देखा? लेकिन अगर वो हरवा ही सकती है तो फिर उनकी बेटी जो लगातार दो बार हारी, तो ये बात तो लागू हो सकती है, क्या वो जिता भी सकती है, क्या वो जितवा भी सकती है? अगर ऐसा था तो दो बार नहीं हारती श्रुति, है ना? हर एक पैर सोच के चलना होगा। नहीं 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 नहीं, फर्क है, ये अब एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा की गई है, और वो लहर के खिलाफ लड़ी थी, ये अभी लहर कांग्रेस के पक्ष में थी, सत्ता से लोग नाराज थे, इस वक्त अलग। मैं तो खुद मानता हूँ कि 5 की 5 सीट कांग्रेस को जीतनी चाहिए, अगर कांग्रेस नहीं जीतती है तो कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा पहुंचाया गया, और वो भी सीधा सीधा भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा। आप ये देखिए, जब
लहर थी बीजेपी की तो सिर्फ एक डिफेंडर अपनी सीट बचा पाए थे जब हमारी दो आई थी और इनकी एक आई थी, 2 लाख वोट हमारे तब भी ज्यादा थे 2014 के अंदर। तब अगर 10 साल की एंटी इनकमेंसी को कांग्रेस नहीं कंट्रोल कर पाई और भाजपा का कंट्रोल करना, तो जितनी नाराजगी भाजपा के खिलाफ थी अगर उसके बावजूद अगर भाजपा बराबरी देगी इस पर खड़ी है, क्योंकि विधानसभा की सीट भी जीती है भाजपा ने, भूलना नहीं चाहिए कांग्रेस वालों को। ये आज भी डाउन है, 40 सीट कुछ भी नहीं है, ये देखिए 40 तो आम आदमी पार्टी को मिला के है, 40 है अलायंस जी, बिल्कुल जो ये अलायंस की सीट है, इनमें वोट जो है एक अलायंस पार्टनर का भी है। लेकिन अगर आप बात करें दूसरी तरफ भाजपा, भाजपा अकेले अपने दम पर लड़ी, अगर आप 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी अगर विधानसभा भी जीतते हैं और 5 सीटें जीतते हैं और कांग्रेस 3 सीट तो हजारों के मार्जिन में, कोई 20,000, कोई 60,000, कोई 40,000, 50,000, तो ये कोई मार्जिन नहीं है। बीजेपी पर भी लागू होती है ना, नेक टू नेक फाइट थी पंजीटा जी, आप जानते हैं, सिरसा रोहतक की बात ना करें, करनाल और फरीदाबाद की बात ना करें, बाकी सभी सीटों पर मुकाबला आप जानते हैं बहुत कड़ा था। मुकाबला बहुत कड़ा था, नहीं होना वो चाहिए, दोनों ही तरफ से था। बीजेपी के उम्मीदवार भी बहुत कम मार्जिन से भी जीते हैं, कांग्रेस वाले भी कम मार्जिन से जीते हैं। मैं ये तो कह रहा हूँ ये नेक टू नेक नहीं, ये जैसे भाजपा जीत के आई थी ना, अगर कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकमेंसी थी जब भाजपा जीत के आई थी, आपको मार्जिन देखे जीते जी आप, और 2019 में आप देखे 74 लाख वोट और कितने कांग्रेस के, आधे भी नहीं थे, आधे से भी 1.5 लाख कम थे। ठीक है, आज भाजपा 14 लाख वोट कम आई है और उसके बाद भी अगर नेक टू नेक खड़े हैं तो इसका मतलब वो 79 सीट जीतने के बाद ये एक बात है कि ठीक है बीजेपी के खिलाफ हवा थी, बीजेपी इनेलो दोनों ही पार्टियां ही कहती, लेकिन कांग्रेस इसे इस तरह से देखती है कि इतना वोट फीसद किसी भी राज्य में कांग्रेस का नहीं बढ़ा जितना हरियाणा में बढ़ा के। बजरंग जी, बीजेपी भी ये मान रही है, इनेलो का भी ये कहना है कि किरण का कांग्रेस को छोड़ देना एक बहुत बड़ा झटका होने वाला है आप लोगों के लिए भिवानी में। अभी तक ज्योति जी दातों को छोड़ने की चर्चा है ना, कोई जिक्र है, आपके डिबेट में ही पता लगा भी ऐसा कोई बात आई है सामने, तो आपका डिबेट का मुद्दा आने आते ही मैंने दिल्ली बात की 5-7 जगह, किसी प्रकार की मुझे ऐसी सुलसुलाहट हमारी नॉलेज में नहीं आई। हो सकता है आपके किसी रिपोर्टर से किसी की बात हुई हो, वो अलग बात है। दूसरी बात ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही, वो लोग बोलते हैं जिन्होंने हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई और सरकार चलाई, नू कहते थे हवा खराब थी भाजपा के खिलाफ, कांग्रेस के हक में हवा थी, कांग्रेस की सीटें 9 क्यों नहीं आई, 5 आई, 9 आनी चाहिए थी। अब भैया आपको पता है हमारे पक्ष में तो ये बात तो सैलजा भी बोल रही है, ये बात तो किरण भी बोल रही है, बात अजय यादव भी बोल रहे हैं, इसमें नया क्या है? आपके दो नेताओं की मैं बात करूंगी, करण दलाल और कुलदीप शर्मा भी चुनाव के बाद नजर नहीं आ रहे हैं, करण दलाल कुलदीप शर्मा भी नजर नहीं आ रहे हैं। मैं उनकी बात का जवाब दे दूं, चुनाव परिणाम के बाद उसका भी जवाब दूंगा, सारे नजर आपको दिखे जहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ। फिर ये जो ये अगर हम जीतने वाले थे, हमारे पक्ष में हवा थी, भाजपा को ये हराना चाहते थे, तो ये कैंडिडेट भाजपा की मदद करने के लिए उतार रहे थे, किसकी मदद करने उतार रहे थे? ये सीधा भारतीय जनता पार्टी की इमदाद करने के लिए खड़े थे, वोट काटने के लिए खड़े थे। अरे एक बात तो अरे चौधरी वीरेंद्र सिंह भी आप क्या दुकान चौधरी वीरेंद्र सिंह को ही खुश कर लेते, उन्होंने कहा सोनीपत से मुझे उतार देगा, 4 बार विधायक मेरे खिलाफ है, चौधरी वीरेंद्र सिंह को पार्टी छोड़ के आपने आए क्या कर दिया? 10 के 10 जमा हम किस टॉपिक पर बात करने के लिए बैठे बजरंग जी, चुनी जोड़ा कितनी परसेंट वोट आई आपकी? सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं किरण कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल होने जा रही है, कांग्रेस के अलावा सारे दल ये मान रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। आपने कहा कि बंसीलाल परिवार के दूसरे सदस्य कांग्रेस के साथ हैं, जिसमें आप सोमवीर की बात करते हैं, महिंद्रा की बात करते हैं, अनिरुद्ध की बात करते हैं, लेकिन पंजेटा जी की बात में दम है कि जो पगड़ी थी चौधरी बंसीलाल की, वो पहले स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह को
उसके बाद उनकी बेटी श्रुति को पहनाई गई और इस नाते से जो उनकी राजनीति को आगे ले जाने वाली है वो तो किरण और श्रुति ही है ना। महेंद्रा कौन है? महेंद्रा कौन है? उनका बेटा ही होगा और बड़ा बेटा साथ रहा हो, अलग तो नहीं हुआ कभी उससे। नहीं, एक्टिव राजनीति रहा, हमेशा विधायक रहा है और यहाँ तक कि इंडिया क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष। लेकिन एक परिवार जो एक्टिव चलते, ठीक है, देखिए आज उसका सुरेंद्र सिंह हालांकि इस दुनिया में हालांकि नहीं रहते, नहीं, नहीं, नहीं। उसके बाद श्रुति चूंकि एक्टिव राजनीति के नाते भी, उनकी पगड़ी पहनाने के नाते भी, तो आपको ये पॉइंट तो है, ये इनेलो में भी होता है। हालांकि रणजीत सिंह भले ही बीजेपी में है, तो ओपी चौटाला साहब तो दावा हालांकि ये लोग करते ही कि देवीलाल की राजनीति के यही खेवन हार हैं, यही आगे लेकर जा रहे हैं। और किरण तो कांग्रेस में रहते हुए आरोप लगा रही है कि जॉर्जी बंसीलाल की राजनीति को खत्म करने का षड्यंत्र रचा गया है। देवीलाल जी की फोटो तो अभय सिंह जी भी लगा हुए, रंजीत जी भी लगा रहे हैं, वो रोक सकता है? हाँ, उनका बेटा रंजीत जी भी है, ओम प्रकाश चौटाला भी है और जहाँ पोता उसका अभय सिंह जी है। सुन लो भाई, अरे अरे रंजीत सिंह जी तो उनकी सरकार गिराने के लिए, खुद उनकी सरकार गिराने के लिए दिल्ली के सरकार को करने में लोगों लगे चले गए। क्या बात करते हो, राजनीतिक विरासत की बात है तो कोई नया प्रवक्ता ये बात करे समझ में आती है आपको? तो सारी का चुका पता है, तथ्य वाली बात करो, हल्की बात क्यों करते हो आप? सुन लो, थोड़ा सुन लो, एक वोट से तीन राय गुण राय, दादा बहू और पोता एक वोट से तीन साफ करे, बता दो ना खानदानी बोलने कुछ है? तीनों की जवान जब्त हो गया, घर बैठे हो, अपनी बात करो ना, आपके पल्ले क्या है? अब बात करते हो कांग्रेस की, हाँ किरण चौधरी की बात है, मेरे हिसाब से किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएगी, ना तो भारतीय जनता पार्टी में कभी सम्मान किसी को मिला, वहां तो क्या है बेस्ती के सवाल, धक्का के सवाल, कुछ नहीं होता, पता लग जाएगा, पता लग जाएगा। और लोग भी जाके आए हैं उल्टे आगे, सबको पता है क्या भारतीय जनता पार्टी में है, ये तो सिर्फ बने बूढ़ के लड्डू है। वापस कितने आगे, आप तो खुद ही दावा कर रहे थे इस बार के उम्मीदवारों को लेकर भी, कह रहे थे कि छह जो उम्मीदवार हैं वो कांग्रेस बैकग्राउंड के हैं, जो कभी ना कभी कांग्रेस में रहे हैं, और 2014 के बाद तो ये बहुत लंबी लिस्ट है जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, फिर भी पांच ही जीते। पंकज बेनीवाल जी, अगर किरण चौधरी आती है बीजेपी में तो कितनी मजबूती मिलेगी? क्योंकि महेंद्रगढ़ में जो रैली हुई उसमें पीएम ने स्वर्गीय बंसीलाल का जिक्र किया था, उनकी तारीफ की थी, तब भी इस बात के संकेत मिल रहे थे कि ऐसा कुछ हो सकता है। देखिए ज्योति जी, निसंदेह श्रुति चौधरी जी का, किरण चौधरी जी का चरखी दादरी जिले में और भिवानी जिले में, दोनों जिलों के अंदर बहुत अच्छा प्रभाव है, अच्छा कद्दावर नेता है, दोनों दोनों का प्रभाव बहुत ज्यादा है दोनों जिलों के अंदर। कांग्रेस अगर इसको नकारती है तो नकारती रहे, कांग्रेस की अपनी अपनी नीतियां हैं, अपनी सोच है। बजरंग दास गर्ग जी कहते हैं कि हमने टिकट दे दी, अरे भैया उनके अलावा आप टिकट देंगे किसको? आपके पास तो कैंडिडेट है क्या? आप सोच भी सकते हैं क्या कि किरण चौधरी के अलावा तोसाम से आप किसी को टिकट दे देंगे? क्या आपके जहन में सवाल भी आ सकता है क्या? या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जहन में आ सकता है? या आप बजरंग दास गर्ग जी सोच सकते हैं? वीरेंद्र सिंह डूमरखा परसों क्या कह रहे थे, सर ने सुना नहीं क्या? मेरे ख्याल से बजरंग दास गर्ग जी आजकल अपनी ही पार्टी के जो नेता इनके खिलाफ बोल रहे हैं उनकी आवाजें नहीं सुन पा रहे हैं। वीरेंद्र सिंह डूमरखा ने भी कहा कि एक आदमी के हाथ में ही पूरे संगठन की बागडोर दे देना ये गलत संदेश है, इससे जो हमारे कार्यकर्ता वो इसे सोचते हैं कि भाई उसी के पल्ले है सब कुछ, मारे तो पल्ले कुछ कौन है, ये शब्द थे वीरेंद्र सिंह डूमरखा के, मत बोलिए सर। सर ठीक है, बजरंग दास गर्ग जी ये शब्द थे आपके वीरेंद्र सिंह डूमरखा के कि भाई एक के आदमी के आदमी संगठन की बागडोर दे दोगे तो लोग हमारे बीजेपी में क्या हो गया था? आप जिनका उदाहरण दे रहे हैं वो चंद दिन पहले तो बीजेपी छोड़कर ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं। मैं तो सिर्फ कांग्रेस की कारगुजारी गिना रहा हूं जी आपको कि कांग्रेस के अंदर आज अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, कैसी खिचड़ी इनकी चल रही है, कैसा रायता इनका बना हुआ है पूरे कांग्रेस पार्टी का। मैं पहले से ही एक बात हमेशा कहा है कि कांग्रेस अगर अपने ही संगठन में गठबंधन कर ले तो शायद इनका कुछ भला हो सकता है, लेकिन ये अपने संगठन में गठबंधन नहीं कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में अगर किरण चौधरी जी आती हैं उनका स्वागत है, और भारतीय जनता पार्टी को निसंदेह बहुत बड़ी मजबूती हरियाणा के अंदर मिलेगी, चाहे वो भिवानी जिले की बात कर ले, चाहे वो चरखी दादरी जिले की बात कर ले, चाहे वो आसपास की 10 विधानसभाओं के अंदर। बड़े स्तर पर दूसरे दलों कांग्रेस के नेताओं को ला रहे हैं आप लोग, आपके विरोधी तो ये कह रहे हैं कि ये नई कांग्रेस है,
बीजेपी तो कांग्रेस ही हो गई अपने आप में जब इतने नेता हो गए हैं कांग्रेस के। देखिए भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है। 2014 से पहले हमारा बहुत ज्यादा वर्चस्व हरियाणा के अंदर नहीं था, हमारे 1, 2, 3, 4 ऐसे एमएलए आते थे, ऐसे ही चीजें हमारी बनती थी। अब जब जनता वही हरियाणा तो की अब है, तो 10 साल सत्ता में रहे बेनीवाल जी, उसके बाद भी चुनाव में क्या हुआ? नवीन जिंदल को लेकर आए कुछ मिनट्स पहले, रणजीत सिंह को ज्वाइन कराया, अशोक तंवर को चुनाव से कुछ दिन पहले लेकर आए। ज्योति जी, अगर हमारी पार्टी में कोई आ रहा है उसे मान सम्मान मिल रहा है तो इन दूसरी पार्टियों को परेशानी क्या है? अपनी पार्टी के लोगों को रोक लो जी, कौन ना कर रहा है। आज अगर आपके सूत्र बता रहे हैं कि किरण चौधरी जी कल परसों जब भी कोई समय है तब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, बसंत दास गांधी जी की पार्टी के पास समय है, रोक लीजिए ना, पकड़ लीजिए पैर, जाइए बात कीजिएगा, संवाद कीजिएगा, क्या समस्या है? हम तो मना नहीं कर रहे। अगर कोई अपनी इच्छा से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है और भारतीय जनता पार्टी उसको पूरा मान सम्मान देती है उसके कद के हिसाब से, तो समस्या कहां है? मेरे को तो नहीं लगता कि कोई समस्या है। अब ये अपने ही पार्टी के साथियों को अगर ये लोग नहीं रोक पा रहे हैं तो सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस के अंदर है, अहम की लड़ाई है, ईगो के ऊपर चल रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि जो मैं चाहूं पूरे हरियाणा के अंदर वही चले, शैलजा जी चाहते हैं जो मैं चाहती हूं वही चले, सुरजेवाला चाहते हैं जो मैं चाहता हूं वो चले, वीरेंद्र सिंह धूमरखा चाहते हैं जो चले मैं करूं। तो ये सारी चीजें, इसकी वजह से कांग्रेस का कोई भी जनाधार आगे आने वाले समय में नहीं होगा। किरण चौधरी जी ने स्पष्ट बोला है कि कांग्रेस का आने वाला भविष्य खतरे में है, नहीं है। और मेरी तरफ से उनके शब्दों का अर्थ ये है कि कांग्रेस हरियाणा के अंदर डूबता हुआ जहाज है, इसलिए वो इस जहाज में अब बैठे रहना नहीं चाहती। अगर आपके सूत्रों की बात बिल्कुल सही है तो, और हम किरण चौधरी जी का स्वागत करते हैं। आप लास्ट कमेंट से पंजेटा जी, हालांकि खबरें ये भी सामने आ रही कि शैलजा उनको मनाने रोकने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एसआरके गुट तो हमने देखा है किस तरह से मजबूती से तीनों नेता मुद्दे भी उठाते रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ भी बहुत मुखर बोलते रहे हैं। देखिए पार्टी में और लोकतंत्र में भी, और पार्टी में भी ये लोकतंत्र होता है कि ये अकेला वन मैन आर्मी नहीं है। आपका प्रभाव हो सकता है एक दो डिस्ट्रिक्ट तक हो, उससे ज्यादा आपका प्रभाव नहीं है। अगर आपको चौधरी बंसीलाल जी की वजह से एक प्रचंड बहुमत मिल गया, चौधरी भजनलाल जी की वजह से, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लेकिन जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ में कमान थी, सब कुछ था, तो ये 40 तक ही पहुंच पाए थे। और उसके बाद लगातार 10 साल इंडियन नेशनल लोकदल ही मुख्य विपक्षी दल रहा, हमारे आसपास भी नहीं थे। ये पार्टी हमारी फूट की वजह से अगर जरूर कुछ फायदा हुआ हो तो मैं मानता हूं ये फायदा जो हमारी पार्टी की फूट हुई, वो वोट दोनों तरफ बट गया, कुछ भाजपा के को चला गया और कुछ कांग्रेस को चला गया। उसकी वजह से कांग्रेस अगर अपने आप को गदगद महसूस कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हरियाणा में केवल 2 जिले नहीं है, उसके बाहर भी हरियाणा है, और हरियाणा में ऐसे नेता है जो अपने दम पर बहुत अपना वर्चस्व भी रखते हैं, और उनके, और मुझे लगता है एक बार तो किरण जी हरियाणा में सबसे ज्यादा मार्जिन के वोटों से तो शाम से जीत के आई, तब सहानुभूति वाला फैक्टर था, आप जानते हैं। नहीं 98% से ज्यादा वोट हुई थी, कोई उम्मीदवार ही, हाँ वो था, वो केवल एक उम्मीदवार जो कुछ ही सैकड़ों, कोई सामने ही नहीं था उनके। उसके बाद भी, उसके बाद भी आप ले लीजिए, कोई ऐसा तो है नहीं कि वो कोई 600 वोटों से 700 वोटों से जीत के आने वाली नेता है, कद्दावर नेता है, अपने एरिया में दम रखती है। स्वर्गीय बंसीलाल जी का हरियाणा में नाम बढ़ता बढ़ता रहता है, ठीक है। एक मिनट, मैं बात नहीं कर रहा, मैं एक मिनट कांग्रेस के प्रवक्ता से एक जो उन्होंने कुछ बातें उठाई उनके ऊपर उनका थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। इन्होंने बात करी, आज हमारे बारे में बात करते हैं, जबकि वोट दोनों तरफ बट गया, खुद ये 5 सीटें जो हारे उसका जवाब हरियाणा की जनता को नहीं दे पा रहे या भाजपा को जितवाई। आप ये बताइए 70 में आपके पल्ले क्या था, 87 में आपके पल्ले क्या था, 96 में आपके पल्ले क्या था, 14 में आपके पल्ले क्या था, लेकिन आपने क्या राजनीति छोड़ दी? आपको लोगों ने ऐसे ऐसे काउंट मारे जैसे आप मार रहे हैं, ये हरकतें अच्छी लगती है राजनीति के ऊपर? मैं लास्ट कमेंट ले रही हूँ आपसे सर, अभी बजरंग दास जी सुन लीजिए, वोट लेने वाले बात करते हैं, चुनाव लड़ने की बात, चलिए बोले पंजीटा जी, नहीं है बीच में बोलने का, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप सुनिए एक मिनट। आप क्या चाहते हैं कि हम आपकी तरह कोई एसवाईएल का मुद्दा सॉल्व ना करें? यहाँ हो सकता है लोकदल की नीति गलत हो, या लोकदल ने जेलें ना भरी हो, या किसान आंदोलन में इस्तीफा ना दिया हो, या हर ऐसे मौके पर जहां पे शोषित वंचित की लड़ाई हो, किसान की लड़ाई हो, मजदूर की लड़ाई हो, छोटे व्यापारी की लड़ाई हो, कर्मचारी की लड़ाई हो, सड़क से लेकर सदन तक कहीं भी धरना देने की बात है, कुछ भी बात है,
क्या गलती है इंडियन एक्ट, क्या सही तो गलत हो आप मुझे बताएं। आपकी तरह थोड़ी ना कैशवेल का भी सॉल्व करेंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट भी लागू करेंगे, है आपके सभी व्यक्ति साधवा में मिसिंग में क्या हुआ, अपने आपकी गेस्ट टीचर इसके ऊपर गोली चला दी, एक बेचारा जाट आंदोलन में एक छोटा सा लड़का था सुनील सांगवान उसके ऊपर आपने गोली चलवा दी। आपके आपका कोई आपका हमारा कोई कंपेरिजन है क्या? आप तो लड़ाई लड़ते नहीं, आप तो दूसरे भाजपा से लड़ा दोगे, आपको वोट डाल दी कांग्रेस से लड़ा दोगे भाजपा को वोट डाल दी ना, कोई लड़ाई लड़नी, आप तो विधानसभा से भी वॉकआउट कर देते हो, आप तो सारी मिली भगत सब चला रहे हो आप दोनों मिलके, आप क्यों नहीं बताते जनता को कि 5 सीटें आपने जितवाई है? आप अच्छा आप मुझे पूछ रहे थे आपने क्यों नहीं किया हमारे साथ गठबंधन, क्यों अगर आप इतना ही बोल रहे हो कि हम भाजपा की ड्यूटी थे, हम तो आपके पास आए थे, हम तो भाजपा के साथ गए। ठीक है पंजीटा जी, आपने सारी बातें कह ली हैं, मुद्दे के अलावा भी कई बातें आपने कह ली हैं। क्या हम दुष्यंत की तरह या चौधरी रंजीत सिंह की तरह क्या सरकार में शामिल हो गए थे क्या, जो आप बीटी बीटी बोलते रहते हो? सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, अगर किसी ने लड़ी है तो इंडियन नेशनल लोकदल ने लड़ी है, आपकी तरह नहीं है। पहले सोचा करो करते क्या, करना कुछ नहीं है, सिर्फ जुबान चलानी है, जुबान काटू पार्टी से। चलिए सभी ने कभी ना कभी बी टीम की भूमिका अदा की ही है। बजरंग जी आखिरी उत्तर आपसे, आप कह रहे हैं आपको हमारी डिबेट के मुद्दे से ही पता चला है कि ऐसा कुछ चल रहा है, लेकिन अब तो खबरें सामने आ रही कि फाइनल हो चुकी हैं चीजें, तो क्या अब आप लोगों ने बातचीत का प्रयास किया किरण से, अब रोकने का प्रयास कर रहे हैं, अप्रोच किया आप लोगों ने? देखिए ये हाईकमान का मामला है, ये ज्योति जी हाईकमान बात करेगा, ऐसी कोई बात है तो जरूर बातचीत चल रही होगी। आपने भी बताया शैलजा जी प्रयास कर रही है, वो भी हमारी कांग्रेस पार्टी की सीनियर नेता है, चौधरी रंजीत सिंह जी भी, उदय भान जी भी, हुड्डा जी भी और हमारे और सीनियर नेता। लेकिन आपके हिसाब से तो सबसे बड़े नेता तो हुड्डा साहब ही है ना बजरंग जी, सबसे बड़े नेता तो कांग्रेस के हुड्डा साहब ही है। देखो बिल्कुल हरियाणा में है बिल्कुल कहूंगा। क्या सबसे बड़े नेता भी प्रयास करेंगे क्या रोकने का? क्षत्रिय आपके मुताबिक सबसे बड़े? बिल्कुल मैं कहता हूं अपनी स्तर पे करेंगे, और यहां तक कि सीएलपी नेता सीनियर नेता होता सबसे बड़ा नेता है, उसमें कोई दो राय नहीं, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। उदय महाजी प्रदेश अध्यक्ष है सीनियर। आप जब सीएलपी नेता का जिक्र करते हैं तो जब सीएलपी लीडर थी किरण चौधरी उस वक्त भी उनकी नाराजगी रहती थी, सीएलपी लीडर वो थी लेकिन विधायक हुड्डा साहब के साथ रहते थे, बैठक वो बुलाती थी लेकिन विधायक उनके पास नहीं आते थे। किरण जी आप ज्योति जी आप हकीकत जानोगे, एक अकेली विधायक उसको सीएलपी नेता बनाया, सारे विधायक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ थे, फिर भी सारे विधायक ने हर मीटिंग में साथ दिया, हुड्डा साहब भी मीटिंग में जाते थे और मान सम्मान देते थे, हर प्लेट हर मान सम्मान। बहुत पुरानी बातें नहीं बजरंग जी, नहीं करी कौन सा विधायक साथ था, नाम गिना दो आप, नाम गिना दो किरण चौधरी साहब, 5 विधायक का नाम गिना दो मैं मान जाऊंगा सारे विधायक। तो वही खुद ही कह रही थी उन्हें साथ के साथ विधायक, मैं कह रही हूँ उस बात को, आप भी इसी बात को कह रहे हैं फिर है ना, तो मैं भी कह रहा हूँ फिर भी हमने सीएलपी और नेता बनाया ना हाईकमान ने, एक आदमी अकेला विधायक होने के बावजूद हाईकमान ने तो बनाया, फिर हाईकमान इतना मान सम्मान देती है, एक अकेला आदमी जिसके पल्ले 4 विधायक नहीं उसको सीएलपी का नेता 5 साल रखते हैं, तो छोटी बात है ज्योति जी, ये हाईकमान का ये आशीर्वाद नहीं है, हाईकमान का ये मतलब को मान सम्मान करने वाली बात नहीं है, फिर भी दुखा है मान सम्मान नहीं होया। हाँ। मान सम्मान नहीं होया ये बात कोई जतने वाली नहीं है, एक बहाना लगाना हो किसी पे झूठे आरोप लगाने हो तो कह सकते हो भी मान सम्मान नहीं है, इनसे ज्यादा मान सम्मान पार्टी में मिल नहीं सकता। राहुल जी आए, प्रियंका जी आए, खड़के जी आए, चाहे सेंटर में मीटिंग हो चाहे हरियाणा की कोई भी ऐसी कमेटी नहीं, हर कमेटी के अंदर वो मेंबर है, हम भी मेंबर है, तो कहने की बात है मान सम्मान कैसे नहीं मिला, एक टिकट नहीं मिली तो मान सम्मान का तो हो गया। मैं लास्ट कमेंट ले रही हूँ मेरीवाल जी, अगर बीजेपी में ड्यूटी आ ही रही है, ड्यूटी आ ही रही है सूत्रों के मुताबिक बीजेपी में आ रही है, तो क्या आप लोग किरण को मान सम्मान देंगे, और क्या कांग्रेस से सभी लोग गए हैं उनको मान सम्मान दे चुके हैं आप लोग पहले? 100% जो भी कद जो भी मान सम्मान किरण चौधरी जी को भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा, मैं दावा करता हूं ऐसा मान सम्मान कभी भी कांग्रेस पार्टी ने उन्हें नहीं दिया होगा,
भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूती मिलेगी और किरण चौधरी भी यहां आकर के एक खुली हवा में सांस लेने का काम करेंगे कि वह एक संगठन में पहुंची। अभी तक मैं ऐसी पार्टी के अंदर थी जिसके अंदर संगठन नाम की कोई चीज नहीं थी, कोई पूछ लेकिन बीजेपी बीजेपी और कांग्रेस में जो मूल अंतर है कि कांग्रेस में रहकर जो कि बहुत सारे लोग कहते सुनते बोलते बहुत बार हैं लिखते भी हैं कि कांग्रेस में सारे बड़े नेताओं को सीएम बनना है, लेकिन बीजेपी पता नहीं कौन सा पाठ पढ़ाती है, किसी को सीएम की कुर्सी पर हो सकता है नजर हो लेकिन खुलकर कोई नहीं बोलता है, सभी अनुशासन में आ जाते हैं। ये अनुशासनात्मक पार्टी है, संगठनात्मक पार्टी है, जिस पार्टी के अंदर संगठन हो, जिस पार्टी के अंदर अनुशासन हो, वही पार्टी ऐसा कर सकती है और वहां के अनुशासन के हिसाब से सभी लोग चलते हैं। ये कांग्रेस की पार्टी को पता नहीं है कि अनुशासन क्या चीज है, संगठन की ताकत क्या होती है, इसलिए इनकी पार्टी में इतनी जूतम फैजार चलती है। अगर संगठन के नाम की सुगबगाहट भी हो जाए तो अलग अलग जगह पर जूते चप्पल गालियां कपड़े फाड़ना ये सब चालू हो जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है। किरण चौधरी जी आएंगी, उनका बहुत बहुत स्वागत रहेगा और जो मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में उन्हें मिलेगा वो कांग्रेस में कभी नहीं मिला होगा और यहां आकर एक खुली हवा में वो सांस लेंगी, बहुत अच्छा महसूस करेंगी किरण चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी में आकर। अच्छा, आपको भी कोई इनपुट है क्या बीजेपी में आ रही हूँ? नहीं, आप ही के चैनल से मालूम चला, डिबेट का टॉपिक आप लोगों ने चेंज किया, तब बताया गया कि किरण चौधरी जी सूत्रों के हवाले से भारतीय जनता पार्टी में आ रही है, तब से मुझे पता चला। ठीक है पंडिता जी, क्योंकि इस चुनाव में हुड्डा साहब को फ्री हैंड दिया गया, इसके अलावा भी पद भी उनके पास है, सीएलपी लीडर वो है, स्नातक नेता प्रतिपक्ष भी है चूंकि कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है, प्रदेश अध्यक्ष भी उनके खेमे से है, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी, उनके बेटे पहले राज्यसभा भी भेजे गए अब लोकसभा में भी जीते हैं, इस बात को लेकर कई बार नाराजगी एसआरके में दिखती है। किरण भी पिछले काफी दिन से कह रही है कि मैं और मेरा से काम नहीं चलने वाला है, तो मेरा सवाल यह कि कई नेता जो हुड्डा साहब के चलते या उनके खिलाफ बयान देते देते बीजेपी में चले गए थे, क्या किरण भी उसी लिस्ट में शामिल होने वाली है? देखिए, मैं जनता टीवी पे कल डिबेट से मैंने ये बात कही जरूर थी कि ज्यादा दिन तक किरण चौधरी जी जो हैं वो कांग्रेस में, वो मेरा अपना पर्सनल वो था, मुझे नहीं पता था कि ये बात सच हो जाएगी इतनी जल्दी कि ज्यादा दिन तक कांग्रेस में रहने वाली नहीं है, क्योंकि देखिए ये सिर्फ एक आदमी अपनी चला रहा है और अगर उन्हें लगता है कि वो दो जिलों के बाहर उनका इतना ही प्रभाव है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में वो भी पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके का ये सारा घटनाक्रम हुआ है, वो सारे घटनाक्रम में अगर यहाँ मान सम्मान देने वाली बात है ज्योति जी, मेरे को ये बात कहने में कोई संकोच नहीं है कि भाजपा में किरण चौधरी जी को मान सम्मान, अगर वो भाजपा में जाती हैं तो मिलेगा आप। अच्छा। क्योंकि इनका थोड़ा पास्ट में देखिए, चौधरी बीरेंद्र सिंह को देखिए आप, वो कांग्रेस छोड़कर गए, क्या उन्हें नहीं मिला? अभी हाल ही में आप प्रवनीत बिट्टू जो कि हारने के बाद भी उन्हें मंत्री बना दिया गया, तो या ये थोड़ा एक ना कांग्रेस में सिर्फ कांटा निकाल लेगा और आपस में जुत्तम जुत का इतना भारी कस्टर है, का नाम भी शामिल हो सकता है, कुलदीप बिश्नोई जी का नाम भी हो सकता है। मैं तो खुद कहा, मैंने तीन चार बारी जब बजरंग जी बोल रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई जी को हुड्डा साहब कहते कि मैं एक ही फ्लाइट में दिल्ली से आया हूँ चंडीगढ़, हम होटल में भी रुके साथ में सारा कुछ, उसके बावजूद भी आपने आपकी वजह से या किसी भी और कारण से। लेकिन पंडिता जी, जो मैं मूल अंतर कह रही हूँ, यहाँ तो सभी सीएम बनने का ही ख्वाब देखते हैं ना, उनको यहाँ स्टेट प्रेसिडेंट बनना था, अब सीट के लिए भी लोकसभा के लिए भी लॉबिंग की गई आप जानते हैं, कभी प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी राज्यसभा के लिए भी बीजेपी में तो लॉबिंग चलती है, लेकिन जो कि मैनीवाल जी कह रहे हैं कि ये अनुशासन की पार्टी है तो ये एक अंतर के, लेकिन कुलदीप बिश्नोई को कितना मान सम्मान मिल पाया गया ये भी सभी के सामने है। नहीं, ये सभी के सामने है। विधायक कुलदीप क्या थे? विधायक थे, इस्तीफा देकर वहां गए, बाय इलेक्शन हुआ, उनके बेटे विधायक बन गए। नहीं देखिए, कम से कम वो जो एक केस था उसमें अभी खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ये भी इस तरीके का वो है, बाद में उसमें पता नहीं क्या होता क्या नहीं होता और आगे कौन सा वो अभी वो हो गया है, अभी उनकी सीनियोरिटी के हिसाब से उनका तो ठीक है, लेकिन उनके बेटे का नंबर नहीं पड़ता ना। अगर 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 वो होता तो संभावना है, तो क्यास तो लगाए लगाई रहे। इस वक्त एक बड़ी बड़ी खबर ये भी आ रही है कि किरण ने अपने समर्थकों को कल सुबह 9 बजे दिल्ली बुलाया गया, तो समर्थक बुला लिए गए हैं दिल्ली, आप हम जो चर्चा कर रहे हैं उसी दिशा में संकेत मिल रहे हैं। पंडिता जी, जी मैंने तो जो अभी हम बात कर रहे हैं उसकी आपने एक तरीके से पुष्टि कर दी है। देखिए, तो कांटा निकालने की जो परंपरा है अभी एसआर के गुट में, क्योंकि जैसे अभी समीकरण बैठ रहे हैं ना, तो ये राज्यसभा की सीट में कांग्रेस में से कोई छोड़ सकता है ना लोकसभा की, यानी ना रणदीप जी को आने वाले इलेक्शन में कहीं सीएम बनाया जा सकता है
या सीएम फेस बनाया जा सकता है, ना ही शैलजा को। अब एक किरण जी बची थी, वो किरण जी को एक तरीके से कांटा निकालने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कर दिया है। आप जान, पहले कार्यकाल में हुड्डा साहब कैसे बने थे? सांसद ही थे, इस्तीफा दिया, उसके बाद सीएम बने ना। और शैलजा तो लगातार कह रही है, अभी उनका बयान सामने आया कि वो विधानसभा ही लड़ना चाह रहे हैं। वीरेंद्र सिंह भी कह रहे हैं कि जबरदस्ती लोकसभा लड़वा दिया गया, लेकिन ये चंडीगढ़ ही जाएंगे। चलो वो तो जो भी होगा आगे पता चल जाएगा, लेकिन उस समय सेंटर में कांग्रेस थी। आज जो सिनेरियो है, एक एक एमपी की लोकसभा की खासकर, आपको पता है कितनी। चलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही बजरंग जी। एक अपडेट इस वक्त ये है कि किरण ने कल अपने समर्थकों को सुबह 9 बजे दिल्ली बुलाया गया, तो किरण और श्रुति कांग्रेस से इस्तीफा दे सकती है, सूत्रों के हवाले से खबर। देखिए ज्योति जी, देखिए मीटिंग का दौर जारी है, लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता मीटिंग कर रहे हैं, उसी के तहत हो सकता हो उन्होंने दिल्ली अपने साथियों बुला लिया हो, मीटिंग कर रहे हो। और दूसरी बात, भी दबाव की राजनीति भी हो सकती है। अच्छा, कुछ भी हो सकता है, मैं खुला तौर पे कह रहा हूँ, मैं कोई पर्दे की बात नहीं कर रहा, मगर मेरे पास अभी तक ऐसी किसी प्रकार की सूचना नहीं है कि किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेगी, कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाली है। और मैं एक बात और कहता हूँ, जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी किरण चौधरी की, आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, जो जो लोग गए हैं पछता रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई की जो खराब माटी हो रही है, सबको पता है, हाथ जोड़ता था चुनाव में, हाथ जुड़वा लो, पैर पकड़वा लो भाई, वोट दे देना मेरा, नहीं तो मेरा नुकसान हो जाएगा। नू कहा करते लोकसभा टिकट तो मेरी जेब में है, राजस्थान से राज्यसभा में भी जाऊंगा, कहीं भी दाना तक नहीं गिरा, कहीं सुनाई। आप कह रहे हैं दबाव की राजनीति हो सकती है बेनीवाल जी, अब चूंकि राज्यसभा भेजने का वक्त है, आप जानते हैं एक सीट खाली है, तो कोई इस तरह की कमिटमेंट या कोई भरोसा तो नहीं दे रहे आप लोग? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे तो आपके सूत्रों के, आपके चैनल के माध्यम से पता चला, और मैं लगातार अगर देख रहा हूँ तो बाकी चैनलों पे भी यही ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि किरण सबसे पहले हरियाणा न्यूज ने चलाया है। बिल्कुल, सबसे पहले हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को, कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है। हाँ, तमाम चैनलों पे भी अब यही न्यूज चल रही है, तो इसमें तो डिबेट भी आपने किया, डिबेट भी हम कर रहे हैं सबसे पहले, डिबेट भी कर पा रहे हैं। तो जो भी आपके सूत्र हैं, अगर आपके सूत्रों की बात सच होती है, जैसे कि आपने अभी ये भी एक न्यूज दे दी है कि भाई उन्होंने अपने समर्थकों को भी दिल्ली बुला लिया है, तो शायद आपने ये मोहर लगा दी है कि श्रुति चौधरी और किरण चौधरी कल कांग्रेस को अलविदा कह देंगी। और आपने ही बताया कि भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी खबर है कि हरियाणा के अंदर एक कद्दावर नेता जो बहुत ही बड़े परिवार के साथ रही हैं, बड़ा परिवार उनका रहा है हरियाणा के अंदर, जिन्होंने हरियाणा का विकास पुरुष के नाम से ही बंसीलाल जी को जाना जाता है, उस परिवार की अगर विरासत अगर भारतीय जनता पार्टी में आती है बहुत अच्छी खबर है ये, और हरियाणा की जनता को जो कि। लेकिन विकास पुरुष की जब बात होती है तो बीजेपी पर भी देखिए बार बार सवाल उठते हैं, दूसरे दल ये कहते हैं कि सरकार किसने गिराई थी विकास पुरुष के? आवाज नहीं आई ज्योति जी, विकास पुरुष की सरकार किसने गिराई थी हरियाणा में? 96 में तो मिलकर सरकार बनाई थी, सरकार पूरा कार्य नहीं कर पाई थी, कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी। बिल्कुल ठीक, तो जब पीएम तारीफ करके गए, चूंकि उस वक्त भी कई दलों के नेता ये कह रहे थे, उस वक्त क्या हुआ था जब मिलकर साथ काम कर रहे थे? स्थितियां और परिस्थितियां समय समय पर बदलती रहती, अभी कांग्रेस में ही तो थी पिछली बार की, 3 बार से लगातार अगर वो बनी है एमएलए तो कांग्रेस की सरकार से बनी है, लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई है ना, आज परिस्थितियां आज वो कांग्रेस नाकामियां हैं ये, और आज हरियाणा की जनता भी देख चुकी है कि कांग्रेस बहुत ही गलत ट्रैक पर चल रही है और हमारे ही नेताओं को परेशान कर रही है, इस वजह से हमारे नेता ही कांग्रेस को छोड़ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी और मजबूती की तरफ होने जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत होते होते 2024 का चुनाव जब आएगा अक्टूबर में, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप सबको बनती हुई दिखाई देगी। और कमिटमेंट की अगर आप बात करते हैं तो मुझे कोई जानकारी नहीं है कि कौन से कमिटमेंट या क्या बातें उनकी या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच में हुई होंगी। पंडिता जी, सोशल इंजीनियरिंग के नाते क्या लगता है, चूंकि विधानसभा चुनाव भी करीब है, तमाम फैक्टर्स पर बीजेपी भी काम कर रही है, राज्यसभा की भी एक सीट खाली है, तो संभावना ही तो कुछ भी हो सकती है होने को,
लेकिन बड़ी खबर यह है कि कल सुबह बैठक बुला ली गई है और शायद कल ही बड़ा फैसला ले सकते हैं। किरण देखिए ज्योति जी, विधानसभा के जैसे लोकसभा के नतीजे आए हैं उसमें एक एक सीट के ऊपर मारामारी का एक जैसे कहते हैं ना बड़ा टाइट, अगर लोकसभा में ही आपने देख लिया जैसे ही विधानसभा में फाइट होती है वैसे फाइट रही है, तो हर एक एक सीट बड़ी इसमें कीमती हो जाती है। सरकार के अंदर, सरकार में कांग्रेस के अंदर जैसी फूट है, ये कांग्रेस की फूट ही मुझे लगता है कांग्रेस को ले बैठेगी। कांग्रेस में जो एक किसी को सुना नहीं जा रहा है और अगर एक ही तरीके से चल रही है तो मुझे लगता है उसका खामियाजा। चलिए बड़ी खबर इस वक्त की हम बता देते हैं पंजीटा जी, जिस बात का हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि कल की बड़ी खबर ये रहेगी कि किरण चौधरी की ओर से कल अपने समर्थकों को दिल्ली बुलाया गया है। तो बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हरियाणा न्यूज ने सबसे पहले आपको बताया था कि कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। सबसे पहले हमने आपको जानकारी दी, सूत्रों के हवाले से हमने बताया था कि किरण और उनकी बेटी श्रुति दोनों ही कांग्रेस को अलविदा कह सकती हैं। तो अब इस बात की ओर संकेत तो जरूर मिल रहे, क्योंकि किरण पहले ही कह चुकी थी कांग्रेस का कोई भविष्य हरियाणा में नहीं है। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा था क्या वो कोई बड़ा कदम आप जानते हैं क्या दूसरी पार्टी में या बीजेपी में शामिल हो सकती है, तब भी उनकी ओर से कहा गया था कि ईश्वर ही जानता है कि क्या हो सकता है। हालांकि इससे पहले किरण बार बार इनकार करती रही थी, कहा गया कुछ लोग चाहते हैं कांग्रेस के कि मैं कांग्रेस को छोड़ दूं, कांग्रेस के भीतर काफी लोग ऐसे हैं, लेकिन मैं कांग्रेस छोड़कर नहीं जाने वाली हूं। लेकिन अब शायद ये वक्त आ चुका है जब किरण बड़ा कदम उठाने जा रही हैं, कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। कल सुबह 9 बजे दिल्ली अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को किरण की ओर से बुलाया गया है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी, बात पूरी कीजिए रजत जी। देखिए ये तो ज्योति जी, इस बात के खिलाफ तो सभी से लगाए जा रहे थे और अगर ये कुछ पहले ऐसा घटनाक्रम हो जाता जो कांग्रेस ने लास्ट मोमेंट तक समर्थकों को डिले करने की ये जो इनकी टैक्टिक्स रहती है, अगर ये थोड़ा पहले हो जाता तो मुझे लगता है लोकसभा चुनाव से पहले ही किरण जी तब भी जा सकती थी। मगर चलो कोई कारणवश होते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं जिस वजह से उन्होंने तब नहीं छोड़ी पार्टी, लेकिन वो लास्ट मोमेंट से उनको कोई रिएक्ट करने का ना टाइम मिला गया ना कुछ ऐसा दिया गया। तो देखिए अगर फैसला उन्होंने लिया है वो उनका पर्सनल फैसला है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये सारा कुछ जो घटनाक्रम, ये जो कांटा निकालने की ये जो एक परंपरा है कांग्रेस के बीच में आपस में लड़ाई जूतम जूत होने की, ये उसी का नतीजा है। चाहे कोई भी नेता छोड़ के जा रहा है, मुझे तो जैसे ये हालात लग रहे हैं मुझे ये भी आशंका है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह कहीं दोबारा ना वापस बीजेपी में आ जाए। इस बात की भी कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि हुड्डा साहब की किसी से बन जाए और हुड्डा साहब किसी का नुकसान ना करे, मुंह पे तो मीठे रहते हैं वो, वैसे मुंह पे ऐसे कोई बयान वैसे देते नहीं है, लेकिन अंदर ऐसा तो नहीं कि हुड्डा साहब के कद से ही सभी को परेशानी है। जी ज्योति जी, हुड्डा साहब के कद से ही दूसरे नेताओं को परेशानी हो, ऐसा भी हो सकता है? हाँ कद से नहीं है, 10 साल तक हरियाणा में राज किया उन्होंने। चौधरी भजन लाल जी के नाम पे मैंने जैसे आपको बताया वो जो मैंडेट मिला था वो क्लियर मैंडेट वो उनके नाम पे था। अगर सेंटर में सरकार है कांग्रेस की और अगर तब भेज देते हैं आपको बना के वो अलग स्टोरी है, लेकिन अपने दम पे आप हमेशा अगर अगर वो कभी आपने बनाई हो कुल मेजोरिटी कांग्रेस में तो समय वो भी था जब देखिए चौधरी वीरेंद्र सिंह के नाम पर मैंडेट आया था लेकिन भजनलाल बना दिए गए थे। कांग्रेस में पहली और अंतिम बार नहीं हुआ के कांग्रेस करती है, अनाउंस नहीं किया गया कांग्रेस की। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह थे सीएम 91 में, भजनलाल बन गए थे 2005 में भी हमने देखा भजनलाल प्रदेश अध्यक्ष थे, हुड्डा साहब को सीएम बना दिया गया था जब वो सांसद थे खुद। बजरंग जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बजरंग जी क्या सारे बड़े नेताओं के कांटे निकाल रहे हैं क्या हुड्डा साहब, जो कि इनेलो का कहना है? देखिए आपने एक सवाल किया, ज्योति जी आपने एक सवाल किया था, हुड्डा जी का जो कद बड़ा है उससे परेशानी है क्या? जो असली सवाल ये है, हुड्डा जी का इतना बड़ा कद हो चुका है चौधरी देवीलाल जी की तरह, इसलिए सबको परेशानी है। आज देश के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह जी का, अरे ऐसा कौन सा संघर्ष लड़ दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जो राजनीतिक लड़ाई है 3 बार तो बैक टू बैक ताऊ देवीलाल को हराया ही था, हालांकि वो बड़े नेता रहे इसमें कोई दोराय नहीं, लेकिन आमने सामने लड़ाई लड़ने के मामले में हुड्डा साहब ने हराया था। हुड्डा जानता हूं तो हरा घोषित किया गया 2 बारी, तभी तो हुड्डा जी का नाम हुआ, 2 बारी तो हरा घोषित किया गया था, हारे थोड़ी ना थे। चलिए उनका अपना बड़ा कथा हम तो डिनाई कर ही नहीं रहे, लेकिन जब जो
ज्योति जी पर जाने वाली राजनीति में आमने सामने भी तो हुड्डा साहब की उनकी लड़ाई हुई है ना। चौधरी लाल का अपना करता उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है, लेकिन जब कांग्रेस इस बात को कह रही है तो उसका भी ग्राउंड तो है। राजनीति कर थोड़ी ना पैसे बढ़ता है, आदमी का संघर्ष से बढ़ता है। कोई ऐसा कोई काम किया, कोई आंदोलन किया, ऐसा कुछ तो किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा की मदद करने के अलावा कुछ किया है क्या? घोटाले पीएलयू, एक प्रॉपर्टी डीलर पीएलयू बेचने वाला आप किसका? चलिए आज हम किरण पर क्यों ना हम किरण पर बात कर ले, ठीक है? बजरंग जी कह रहे हैं क्योंकि हुड्डा साहब का कद इतना बड़ा है, दूसरे नेताओं को परेशानी है। तो ऐसा तो नहीं कि जैसे बरगद के पेड़ के नीचे दूसरे पेड़ पनप ही नहीं सकते हैं, एक बड़े पेड़ के नीचे तो दूसरे नेताओं को भी ऐसा तो नहीं कि जगह ही नहीं दे रहे हुड्डा साहब? या तो पार्टी में रहो, ऐसी बात पार्टी में रहो, फ्री हैंड हुड्डा साहब कोई रहेगा, या फिर पार्टी से किनारा कर जाओ, दूसरी पार्टियों में अपनी जगह तलाशो। कोई विकल्प ही नहीं रहता नेताओं के सामने। ज्योति जी मैं रिकॉर्ड बताता हूँ आपका। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा मुख्यमंत्री थे, किरण चौधरी जी वहां पर एक्साइज मंत्री थी आपके सामने, रंजीत सिंह चौटाला के पास बिजली विभाग, कई विभाग उनके पास रहे, और यहाँ तक कि सारा काम चौधरी अपने आपके सामने है, रंजीत सिंह चौटाला जी देखते थे, कोई डिस्प्यूट नहीं था, साथ मिलकर चलते थे। नहीं, उस टाइम भी नहीं, अलग अलग नेता अपने अपने इलाके का विकास नहीं होने के आरोप लगाते थे कि रबर स्टैंप बना दिया गया कि हमारे इलाके का विकास नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि सड़कें ही अच्छी हैं, इससे आगे जाते हैं तो सड़कें खराब हैं, तब की चीजें भी सबके सामने पब्लिक डोमेन में है। आप चौधरी रणदीप सिंह जी से पूछो, उनके एरिया में सबसे ज्यादा विकास हुआ नहीं हुआ? जहां तक वित्त मंत्री है, खजाना का मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह, और वो कैसे कह देगा मेरे एरिया में विकास नहीं है? अरे आप खुद वित्त मंत्री हो, खजाना आपके पास, जब भी आपके पास, तो भाई वहां विकास क्यों नहीं होगा? चलो अगर कोई तो किसी में जहां बताना चाहता हूँ, ये सारी सुन लो, देवीदास जी और आया कितनी बार लड़ाया रोहतक के अंदर, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, सतपाल सिंह ने, भूल चलिए फटाफट लास्ट कमेंट दे रही हूँ बीजेपी से, क्या कोई जानकारी अब आ रही है क्या? कल को लेकर कोई जानकारी है क्या? क्या होने जा रहा है? क्योंकि किरण ने तो अपने समर्थक बुला लिया, ऐसा तो नहीं कि कल बीजेपी मुख्यालय पहुंच जाए, हालांकि अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं, लेकिन सूत्र ही जानकारी दे रहे हैं। गर्ग साहब सुन लीजिए, अभी क्योंकि मैं लगातार आपके साथ डिबेट में बना हुआ हूँ, तो मेरे पास अभी ऐसी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। जो भी जानकारियां मिल पा रही है मैं आप ही के टीवी चैनल के माध्यम से, जो आप बता भी रहे हैं कि हम सबसे पहले ब्रेकिंग दिखा रहे हैं, तो उसी ब्रेकिंग के हिसाब से मुझे भी सारी चीजों का भी पता चला है। शायद डिबेट के बाद मैं किसी से बात करूं तब मुझे कुछ बातें पता चले, लेकिन अभी आपके चैनल से जितना मुझे पता चल पा रहा है उतना ही मुझे नॉलेज है। ठीक है, चलिए, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया, और चर्चा हम ये कर रहे हैं कि किरण चौधरी बहुत जल्द कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। अब खबर ये भी आई है कि कल उन्होंने अपने समर्थकों को दिल्ली बुलाया है, सुबह 9 बजे अपने समर्थकों से चर्चा करेंगी। क्या वाकई सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं कि किरण का मोह भंग हो चुका है कांग्रेस से, भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है किरण और साथ ही उनकी बेटी श्रुति भी, तो क्या बहुत जल्द इस खबर पर मुहर लगने जा रही है, बहुत जल्द कांग्रेस को बड़ा झटका लगने जा रहा है, ये भी देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।